দেশ রক্ষার পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে তুলতে অংশীদার হতে দেখা গেল বিএসএফ জওয়ানদের। কৃষ্ণনগর বিএসএফ হেডকোয়ার্টারের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর রেল স্টেশন সহ বিভিন্ন স্থানে লাগাতার এক মাস ধরে চলবে এই কর্মসূচি। শনিবার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি, বিএসএফ এর বিভিন্ন আধিকারিকেরা। স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় বিএসএফ জওয়ানদের। 110 জন জওয়ান এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার চালানো হয়। এই বিষয়ে ডিআইজি বিএসএফ একে আরিয়ান জানান। সরকার কা স্বস্থ পকওয়াড়া চল রহা হ্যায়। 1 দিসম্বর সে 15 দিসম্বর কে তক ইস সিলসিলে মে হাম লোগ স্বচ্ছতা সে সম্বন্ধিত বহুত সারে কার্যক্রম কর রহে হ্যায়। জেসে কি হর সার্বজনিক স্থলো কে সাফ সফাই, কার্যালয় কে जो हमारे अपने कार्यालय हैं, अपना एरिया है, उसकी साफ़ सफाई और जन साधारण को इसके बारे में जागरूक करना कि स्वच्छता के ज़्यादा ध्यान दें। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने किशन नगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया। उसके तहत हमारे 110 कार्मिकों ने भाग लिया और किशन नगर रेलवे स्टेशन की स्वच्छता को और अपग्रेड किया। वैसे कृष्णनगर रेलवे स्टेशन में साफ़ सफाई का स्तर पहले से काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने उसको और अच्छा कर दिया है और हमने पब्लिक को भी ये बताने की कोशिश की है कि वो कहीं पे भी जो सार्वजनिक स्थान है जिन पर कि हम लोग रोज आते जाते हैं उन पर गंदगी ना फैलें और स्वच्छता का ध्यान रखें। कृष्णनगर रेल स्टेशन सह बस स्टैंड हॉस्पिटल सह विभिन्न जगह ये कर्मसूची नेवा हुआ है। आप लोगों ने इसी सिलसिले में बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं जैसे कि बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स की एरिए की जो साफ़ सफाई, सार्वजनिक स्थल जितने भी हैं उनकी साफ़ सफाई का हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे आसपास के जो इलाके हैं, जो एरिया हैं हमारे, उनको भी हमने साफ़ सफाई के ऊपर काफ़ी जोर दिया हुआ है। तो ये वैसे तो हम लोग जो सीमा सुरक्षा बल के अंदर स्वच्छता के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल पखवाड़ा है 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, तो इसके दौरान हम लोगों ने स्वच्छता का अभियान और जोर शोर से चलाया हुआ। नदिया थेके रजत सेनेर रिपोर्ट, चैनल 24/7।